भुवनेश्वर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिया जातिर महासंग्राम शुभारंभ हो खोर्धा बरुणी पहाड़ पाइक विद्रोह स्मारक शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एथपाई पाइकगढ़ अभिमुखे बाहरी राष्ट्रपति भुवनेश्वर विमानबंदर वायुसेनार हेलिकप्टर में यात्रा कर सहित राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गस्त कर समय भितर गोशाला हेलीपैड में पहुंचा पर बरुणी पहाड़ गस्त करेंगे सका साढ़े दसटे बरुणी में पाइक विद्रोह स्मारक भूमि पूजन कार्यक्रम में से जोग देते पर बारटा पंदर भुवनेश्वर प्रत्यावर्तन करेंगे मध्यान बारटा पैंतीस उत्कल विश्वविद्यालय बाणीविहार प्लाटिनम जुबली उद्यापनी समारोह में जोगदेवे सेठारु अपराह्न गोटाए पचास मिनिट रे राजभवन प्रत्यावर्तन करेंगे राजभवन में मध्यान भोजन पर संध्या पांचटे से दिल्ली प्रत्यावर्तन करेंगे वायुसेनार स्वतंत्र विमान में गतकाली राति सातटा पंदर में भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचे राष्ट्रपति सेठारे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और मुख्य शासन सचिव अशित त्रिपाठी प्रमुख स्वागत जनाइले विमान बंदर से राजभवन जाते राजभवन में रात्रि जापन करते राष्ट्रपति संपर्क में अधिक सूचना बरुणी में अच्छा आम रिपोर्टर दीपक महांती दीपक प्रस्तुति केमी देखुं देखो मधुस्मिता आम जहाँ भी कही सका सका जो खोर्धावासी मानपुर गर्वर दिन प्रति ओडिया गर्वर दिन जो पाइक मैंने जो बलिदान देखते जो सब करते ब्रिटिश को रखी ये जो लास्ट गड़ जो ब्रिटिश मैंने यू विदाय करते पाइक मान भूमि आज खोर्धा प्रति प्रति खोर्धार लोक मैंने आज गर्वर दिन रही आम सहित अच्छे जन पाइकर कहीपर पाइक रक्त पाइक अच्छी कितु सी बहुत परिचित अच्छा सहित अच्छा निश्चित भाव में आज समग्र पाइक जाति गोटे अति गौरवर दिन और मुँ आज जड़े पाइकर दाय बक्सी जगवंत दाय हिसाब से बहुत गर्व अनुभव करप्रथमें भारत प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देवी जोटा पाइक मैंने डिजर्व करते जो रिकग्निशन डिजर्व करते दिन धरी जो अवहेला कराइला आज माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रचेषा जगू से मान्यता आम पाई से मु केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्चे जो स्वप्न था जे बरुणी पहाड़ तले जो शेष युद्ध होता से संघर्ष कहानी को सारा विश्व में परिचित करने आज ये पाइक वीर मान गोटे स्मारक ये तैयारी हो महामहिम राष्ट्रपति आज उद्घाटन करेंगे एवं केवल पाइक पूर्व केन्द्र आ राज्य ये सहयोग करते पूरा पाइक केमी आम जो आग पीढ़ी मैंने केमी मन रखे स्थापन करेंगे सर हाँ निश्चित भाव में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पचास एकर जमी ये स्मारक मागिता कितु जहाँ भी हो नवीन बाबू दस एकर जमी बरुणी आज तार उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति करे एपाई सर्वप्रथमें मुँ पे दोहरबीजे यहाँ धर्मेन्द्र प्रधान प्रचेषा जगू यहाँ संभव हो पारी केवल स्मारक नुह या पूर्व भारत सरकार रिकग्नाइज कर पाइक विद्रोह 1817 जो पाइक विद्रोह ता ब्रिटिश विरुद्ध में प्रथम स्वाधीनता संग्राम एवं सेटा आमर एचआरडी मिनिस्ट्री एनसीईआरटी बहिरे क्लास 10 रो सिलेबस लिपिबद्ध करते भी केन्द्र सरकार को मुझे धन्यवाद देवी और जहा हूँ आज गोटे आम समस्त गोटे अति गौरवर दिन कि शुणुले मधुस्मिता आज पूरा पूरा जमी कहते पाइक मानी से आज पूरा पूरा खोर्धा जिला खोर्धागढ़ पूरा ओडिशा पूरा सब लोग आज गर्वर दिन आपत देखिपे आ कि समय मध्य राष्ट्रपति आसिक पहुँचे जी अतिथि अच्छा जहाँ को समय सब आसी सारे अतिथि आगमन सहित आम पाखापाखि 4000 देखिए लोक मैंने आज जो गर्वर दिन को अनुभव करजे आई जो मैंने भी पक्ष अच्छा बस जब स्टेज देखने एल सी डी व्यवस्था कराई जो क्षण जो अच्छी ओडिशा जो बड़ गर्वर दिन को कमी न
মিস করবে তাপাই গোটে সব এলসিডি দ্বারা দেখুচন্তি আৰু আকি সম ভিতৰে যা আপোন শুনতলে মধুজতা আকি সম ভিতৰে আসি পহুচিবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আসি ৰাষ্ট্ৰপতি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি আসি পহুচিবে যাৰ কি সূচনা মিলছি বিমান বন্দৰ সে ছাড়ি চলেনি আৰু কিছু সময় ভিতৰে গৌশালাৰ পহুচি গৌশালাৰ ৰাস্তা যোগে আসি এঠি আমাৰ যোঠি হৌচি পাইক বিদ্ৰোহ যোঠি হৌচি সেইঠি আসি পহুচিবে মধুজতা দীপক পাইক বিদ্রোহর স্মারকীর আজ শিলান্যাস কার্যক্রম রয়েছে এবং তা পূর্ব ভূমি পূজন কার্যক্রম রয়েছে কেতবে হব এবং কোণ সব সেপাই ব্যবস্থা করা যাই দীপক দেখুন যেহেতু রাষ্ট্রপতি মহামান্য পৌঁছবে দশটা তাঁর যা অনেক দশটা তিরিশে আসি পৌঁছবে এটি পৌঁছ সারা পরে এটি যে ভূমি পূজন অটি আগে ভূমি পূজনটি যেহেতু সেই স্টেজ পাখে অনেক সে ভূমি পূজন সেইটি করবে আর স্থাপন যেটা অনেক সেইটি সব সব স্টেজ পাখে অনেক যেটা কি সেইটি সে পাখাপাখি করবে আর রহলে সে উপকরিয়া অতিথি মানে আসি পৌঁছ সারে আর সমস্ত আনাই এই যে বড় দিনের উৎসব কত রাষ্ট্রপতি আসবে ও এইটা শিলান্যাস করবে ধন্যবাদ দীপক আপনার সূচনা পাই দীপক মহাতি বরুণী ঠারে রহিছিলে এবং যেউঠারে কি রাষ্ট্রপতি আউ কিছু সময় ভিতরে পৌঁছিবে এবং সেঠারে পাইক বিদ্রোহর স্মারকীর আজ শিলান্যাস কার্যক্রম রয়েছে এবং সেপাই সুরক্ষা ব্যবস্থাকে মধ্য কড়াকড়ি করা যাইছে এবং সমস্ত প্রকারর প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।